बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार के कई ठिकानों पर नोटिस चस्पाया गया है। इसको लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर के निर्देश पर पटना सीआई सीबीआई टीम के द्वारा सृजन घोटाला के फरार मुख्य आरोपी रजनी प्रिया और अमित कुमार की गिरफ्तारी के लिए इश्तेहार चिपकाया गया है। इस दौरान सीबीआई टीम के सदस्यों ने ढोल नगाड़े के साथ पहुंचकर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के अलावा अमित और प्रिया के कई ठिकानों पर इश्तेहार लगाकर लोगों से इससे संबंधित किसी तरह की जानकारी मिलने पर साझा करने की बात कही है। जबकि इसके अलावा भी टीम अमित और प्रिया के ठिकानों पर पहुंची, जबकि अब तक 5 जगहों पर नोटिस चिपका दिया गया है। सीबीआई की टीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी ये दोनों देखे जाए तो इसकी सूचना अविलंब स्थानीय थाना को दी जाए। बता दें कि रजनी प्रिया और अमित कुमार भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी हैं और घोटाले का खुलासा होने के बाद से पुलिस और सीबीआई टीम इन दोनों की तलाश में जुटी है। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा जिला स्कूल प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय प्रमंडलीय स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला के दूसरे दिन भी काफ़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं की काफ़ी भीड़ जुटी रही। इस दौरान नियोजन मेला में करीब 5,000 रिक्तियों के लिए निजी क्षेत्र के 41 नियोजकों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पूरे दिन युवक युवतियों की भीड़ दिखी, जहाँ युवाओं ने आवेदन किया। मेले में कई सरकारी विभाग एवं निजी क्षेत्र के कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाया गया, जहां सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन देने के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा रिक्तियों के एवज में जरूरी कागजात की जांच की। मेला के समापन से पूर्व कुल 31 कंपनियों के द्वारा नियोजन मेला में शामिल हुए 1,117 शिक्षित बेरोजगारों का चयन किया गया, जबकि 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में 44 कंपनियों के द्वारा 2,360 युवाओं का चयन किया गया। वहीं मेला के दौरान जीविका सामाजिक सुरक्षा कोषांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कृषि विभाग उद्योग विभाग समेत कुल 9 सरकारी स्टॉल और जिले के सभी केवाईपी सेंटर के द्वारा स्टॉल लगाकर युवाओं का मार्गदर्शन कर नियोजन किया गया। इसको लेकर सहायक निदेशक नियोजन भरत जी राम ने कहा कि विभाग की ओर से आगे भी इस तरह का नियोजन मेला लगाया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। आज नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का दूसरा दिन है और ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 41 काउंटर है। आज भी पूरा काउंटर फुल है, पूरी कंपनियां आई हुई हैं जो शेड्यूल्ड कंपनियां थी, उसके अलावा भी एक दो अच्छी कंपनी आई हुई है। और काफ़ी खुशी की बात है कि करीब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सेक्यूसेफ के द्वारा जो बीटेक किए हुए लोग हैं, बीटेक मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इनके द्वारा करीब 40 लोगों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र बांटा गया। इसके अलावा भी 3-4 कंपनियों के द्वारा दर्जनों की संख्या में जो नियुक्ति पत्र हैं अभी बांटे गए हैं और जिसके साक्ष्य आप भी हैं, और बहुत लोग अभी अपना तैयार कर रहे हैं जो ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र देंगे आज। बाकी जो बचेगा वो विहित प्रक्रिया के द्वारा बहुत जल्द ये लोग अपना छात्रों का, किसी को ऑनलाइन टेस्टिंग करना है, किसी को इंटरव्यू लेना है, तो इसके माध्यम से जो रोज़गार का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था, मुझे लगता है कि उसको पूरा करने में हम लोग ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी रोज़गार की जो परंपरा है, जो सिलसिला है, वो जारी रहता है। प्रत्येक महीने में 3 या 4 रोज़गार कैंप लगाया जाता है, तो व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस नियोजन मेला का लाभ नहीं उठा सके, उनके लिए हमारा जो नियोजन कार्यालय है और प्रादेशिक नियोजनालय जो श्रम संसाधन विभाग का एक हिस्सा है, आप यहाँ पे नियमित रूप से पधार कर और रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं, उसके साथ साथ अपना करियर मार्गदर्शन भी करा सकते हैं। भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में बानी प्रकाशन ग्रुप की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी कुल, गीतकार अमोद मिश्रा, डॉक्टर योगेंद्र, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान साहित्य संसद, साहित्य चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जबकि वहाँ मौजूद लोगों ने पुस्तक मेला में कई तरह की पुस्तकों को देखा और खरीदारी भी की।
वहीं साहित्य संसद और साहित्य चर्चा में वक्ताओं ने अपनी बातों को रखते हुए पुस्तकों एवं साहित्य के महत्व के बारे में जानकारी दी, जबकि लोगों ने वहां प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाया। इसको लेकर कार्यक्रम के संयोजक दयानंद जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है साहित्य को समृद्ध बनाना और पुस्तकों का नियमित अध्ययन करने के साथ इसका महत्व बताना है। बिहार के खगड़िया से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल खून से लथपथ रोती बिलखती बच्ची जब घर पहुंची तो पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र की एक बच्ची अपनी पड़ोस में स्थित किराना की दुकान में चॉकलेट खरीदने के लिए गई थी, जहां दुकानदार ने उसे चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्ची रोती बिलखती खून से लथपथ अपने घर पहुंची और पड़ोस के दुकानदार बबलू चौधरी पर गलत काम करने की बात बताई। वहीं इसके बाद परिवार के लोग बच्ची को लेकर थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने तत्काल बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजकर और मामले में त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। इधर पुलिस ने आरोपी बबलू चौधरी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना से आहत पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाते हुए कहा कि फिर किसी दूसरी बच्ची या लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए कानून द्वारा उसे सख्त सजा दी जाए। इधर खगड़िया एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि बच्ची के साथ की घटना काफी जघन्य अपराध है और फॉरेंसिक टीम की मदद से सैंपल लेकर पूरे मामले की जाँच की जाएगी, जबकि दुष्कर्म के आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले इसके लिए पुलिस टीम कार्रवाई में जुट गई है। कि जो है एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ है। त्वरित संज्ञान लेते हुए 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो उसमें आरोपित था उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया नगर थाना की पुलिस ने, और इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति से एक अनुसंधान के लिए रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भागलपुर से एक टीम को कल रात में ही संपर्क करके आज सुबह में वो टीम ने विजिट किया है। बहुत अहम जो एविडेंसेस हैं उनको घटनास्थल से एवं अभियुक्त से ये जो है लिफ्ट किया गया है होगी। इसमें हम लोग जल्द से जल्द पूरे साक्ष्यों को एकत्रित कर और अनुसंधान पूर्ण कर इसमें चार्जशीट करेंगे। बीते 14 सितंबर को भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफसाल की हत्या मोमिन टोला निवासी मोहम्मद इशरात और उनके सूत्रों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद से घटना के 2 महीने से अधिक बीत जाने के बावजूद पुलिस हत्या के आरोपी इशरात को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। वहीं गिरफ्तारी नहीं होने पर आगे की कार्यवाही के लिए नाथनगर पुलिस ने उसके घर की कुर्की जब्ती को लेकर न्यायालय में अर्जी दी थी, जिस पर न्यायालय ने पुलिस को हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद इशरात के घर की कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया। वहीं इसको लेकर मंगलवार को केस के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद कमाल दलवल के साथ मुख्य आरोपी मोहम्मद इशरात के घर पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। झारखंड के गोड्डा जिले के मेहरमा क्षेत्र निवासी रामकुमार एक मुस्लिम युवती के साथ 17 अक्टूबर को घर से फरार हो गए थे।
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि मुस्लिम युवती मुस्कान खातून ने अपना इस्लाम धर्म बदल कर सनातन धर्म अपनाने के बाद अपने प्रेमी राव कुमार से शादी कर ली, जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इसको लेकर मुस्कान खातून ने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ बीते 17 अक्टूबर को घर से फरार हो गई थी, जिसके बाद शादी के लिए दोनों गोड्डा कोर्ट पहुंचे, जहां उन लोगों ने एक वकील से मुलाकात कर पूरी बात बताई। इधर इसकी खबर मिलते ही उसके परिजन वहां पहुंचे, जबकि इसके बाद युवती के परिवार वाले भी वहां पहुंचे और कोर्ट परिसर में ही उसके साथ मारपीट करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में किया, जबकि युवती ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपनी मर्जी से राम कुमार से शादी करने का फैसला किया है और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। साथ ही मुस्कान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। बता दें कि युवती ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपने प्रेमी के साथ पीरपैंती के मीनाक्षी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। हालांकि युवती का कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं युवक राम कुमार का कहना है कि वे लोग इस शादी से खुश हैं और उसके परिवार वाले भी इस शादी से संतुष्ट हैं। मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। मुस्कान। मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर सियालदह। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं? हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए, तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? इसका संस्कृति अच्छा लगा, इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाया। तो क्या यह शादी आप लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कोई आप लोगों का किसी का दबाव नहीं, मतलब लड़का के दबाव में आकर के तो शादी नहीं कर रहे हैं ना? इसके अलावा किसी का दबाव है क्या, मतलब घर वाले से किसी से डर, कोई खतरा? किससे डर है आपको? मेरे घर वाले से, मेरे मौसा। मतलब कौन कौन, क्या नाम बता सकते हो? कौन कौन है? मेरे मौसा, मामा और पापा। अच्छा, उनसे डर है जी। अच्छा, कोई धमका रहे हैं आप लोगों को जी? भागलपुर में अवैध तरीके से हाथ की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग की पैनी नजर है। दरअसल खाद की कालाबाजारी की गुप्त सूचना मिलने पर अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के कारोबार करने वाले संतोष इंटरप्राइजेस में अकबरनगर पुलिस की मौजूदगी दबिश दी, जहां से छापेमारी में भारी मात्रा में यूरिया खाद बरामद हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की भनक दुकानदारों को पहले ही लग गई थी, जिसके कारण दुकानदार दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया था। हालांकि अकबरनगर पुलिस के साथ पहुंचे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर कार्रवाई की गई। इसके बाद अकबरनगर पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस और कृषि विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में कृषि विभाग के पंचायत कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार, सुल्तानगंज प्रखंड के कोऑर्डिनेटर अनूप कुमार, किसान सलाहकार सुधा कुमार सिन्हा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। नवगछिया रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सहौड़ा गांव में एक लड़की की शादी कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही दो युवकों की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मृतक युवक की पहचान प्रेमीलाल यादव का छोटा पुत्र राजू यादव के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान मृतक के भाई कारीलाल यादव और मिथुन कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया, जबकि घायलों को भी पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष से भी 5 लोग घायल हैं, जिनका पुलिस हिरासत में रंगरा PHC में इलाज कराया जा रहा है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि कैलाश यादव की पुत्री अंजलि कुमारी की शादी सोमवार रात को होनी थी, जिसके लिए खगड़िया के बंधेरा गाँव से बारात पहुंची थी। तभी हुआ यूं कि लड़की वालों ने लड़का देखते ही लड़के को बदल लेने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाराती पक्ष के लोगों द्वारा कुछ ग्रामीण पक्ष के लोगों को समर्थन में लेकर लड़की के पिता पर दूसरे लड़के से शादी करने का दबाव बनाने लगे, जिसका विरोध कैलाश यादव के भतीजे कर रहे थे। इसी क्रम में दो बारात पक्ष के समर्थकों और कैलाश यादव के भतीजे के बीच विवाद शुरू हो गया, जो मारपीट में तब्दील हो गया और बारात पक्ष समर्थकों ने कैलाश यादव के भतीजे को गोली मार दी। मृतक परिजनों का आरोप है कि गांव के ही
मुनीलाल, मुकेश यादव, सौरभ यादव, हीरा लाल यादव, रणवीर यादव, कोकन यादव समेत कुल 9 लोगों ने गोलीबारी कर राजू की हत्या कर दी और राजू के भाई कार्य लाल यादव, मिथुन यादव की पिटाई कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरा चचेरी बहन था, चचेरी बहन का शादी हो रहा था, लड़का बदल गया था, वो गया था, वो बोला चाचा सब बोला क्या नहीं हम कराएंगे शादी नहीं कराएंगे, तो उसका रिलेशन का था जो वो जो था ना वो ऐसे बकवास करने लगा कि शादी होगा, गाली गुलम देने लगा। हमारा भाई भी गया, हमारा भाई को गाली से लाठी से इसको ये देखो यहाँ पे भी मारा है पूरा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद ब्राह्मण टोला के रहने वाले एक युवक को अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना को लेकर अपहृत युवक अमित झा के पिता सदानंद झा ने बताया कि उनका पुत्र जमीन का कारोबार करता है, जो कल शाम से घर से निकलने पर वापस घर नहीं पहुंचा, जिसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं वार्ड पार्षद पप्पू झा ने बताया कि अपहृत युवक अमित झा का स्कॉर्पियो उधाड़ी के बीच लावारिस अवस्था में मिली है, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस स्थल पर पहुंचकर स्कॉर्पियो को बरामद करते हुए अपहृत युवक की खोजबीन में जुट गई है। रात में जो सामने गाड़ी लगा यहाँ पे जिस समय लगा हुआ था उसे एक व्यक्ति तो उतरा तो जरूर उतरा, उतरने के बाद वो बाथरूम करने के लिए गया जी, बाथरूम करने के बाद वो गाड़ी लॉक करके सही चले गए। अभी किधर गए ये हम मैंने नहीं देखा, लेकिन रात 10 बजे मैंने फिर से देखा कि गाड़ी एक जगह ही खड़ी है, क्या बात है क्या नहीं है, तो मैंने टॉर्च ले जा करके उसको पूरा सर्च किया। गाड़ी में केवल जैकेट पड़ा हुआ था, एक छोटा अटैची था, जो कि मैंने पूरा खंगालने के बाद अड़ोस पड़ोस में भी पता किया तो बोला कि नहीं भाई मेरा तुलसी का गाड़ी के नहीं है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला एवं प्रखंड के अधिकारी 4 पंचायत करहरिया पंचायत, एसडीओ धनंजय कुमार कुमेटा पंचायत, सीओ शंभु शरण राय, वीडीओ मनोज कुमार मुर्मू द्वारा 3 पंचायत का निरीक्षण किया गया, जबकि नया गांव पंचायत का निरीक्षण करने भूमि सुधार उप समाहर्ता रविकांत सिन्हा के नहीं पहुँचने पर नया गांव पंचायत का जाँच पड़ताल नहीं हो पाया। वहीं अधिकारियों द्वारा अपने अपने पंचायत का निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वास्थ्य केंद्र, वितरण प्रणाली, दुकान सहित सरकार के द्वारा चल रहे योजनाओं का जांच पड़ताल किया गया, जबकि निरीक्षण करने गए अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर पंचायत में चल रही सभी चीजों का जांच कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। मौके पर पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे।